हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मिथरवर्ड की वेबसाइट से आप डायरेक्टली विड्रॉ ले सकते हो एल बैंक के अंदर, और देन केवाईसी के अंदर क्या चीज आपको करनी है जब आप वहां से विड्रॉल लगाते हो, और देन जब मिथरवर्ड की आपने केवाईसी ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखी है, अगर नहीं कर रखी है तो अभी के टाइम के अंदर आपको कैसे केवाईसी करना है वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर, और देन कौन सा आपको एड्रेस वहां से कॉपी करना है और देन अपनी मिथरवर्ड की वेबसाइट के अंदर आपको पेस्ट करना है, और देन कैसे आप वहां पे डायरेक्टली आप क्या है कि अपना विड्रॉल है वो लगा सकते हो। इसी वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज पता चल जाएगी कि कैसे आपको विड्रॉल है वो लगाना है, ठीक है, वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा अभी के टाइम के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और देन बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास आता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जब भी आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो मिथरवर्ड की वेबसाइट से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, तो पहले उस एक्सचेंज के ऊपर आपको क्या है केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं करी है एलबैंक एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा एलबैंक के अंदर कैसे केवाईसी कंप्लीट करनी है, वो चीज आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो केवाईसी करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको एलबैंक ऐप को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप एलबैंक ऐप को ओपन कर लेते हो तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन देखने के मिलने के बाद आपको क्या करना है, वॉलेट के ऊपर ओके करना है। तो यहाँ पे आपको जिस भी कॉइन के अंदर आपको विड्रॉल डिपॉजिट लेना है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च कर लोगे। हमें क्या है, हम मिथरवर्ड की वेबसाइट से क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे एम कॉइन है वो ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे एम कॉइन, ठीक है। हम जैसे एम कॉइन सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एम कॉइन है वो आ जाता है, हम इसके ऊपर ओके करेंगे, और देन यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसके ऊपर ओके करेंगे, और देन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें एमकॉइन का नेटवर्क हमें सिलेक्ट करना है, तो एमकॉइन का नेटवर्क हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो देन यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एड्रेस है हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले एड्रेस को क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है। हमने इस एड्रेस को कर लिया यहाँ से कॉपी, और देन हम जाएंगे अपनी जो मिथरवर्ड की वेबसाइट है आपकी उसके आईडी के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिथरवर्ड लिखता हूँ। जैसे मैंने मिथरवर्ड लिखा क्रोम के ऊपर, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपकी प्रोफाइल का, इसके ऊपर ओके करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल के ऊपर ओके करना है। जैसे आप माई प्रोफाइल के ऊपर ओके करते हो तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, मॉडिफाई के ऊपर ओके करने के बाद आपकी ईमेल आईडी और देन गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको डाला और देन यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर ओके करता हूँ, तो जैसे मैं सबमिट कर दिया तो यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है, देन केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी के टाइम के अंदर देखो केवाईसी जब आप करते हो, पहले भी आपने एड्रेस डाला होगा, डोंट वरी अभी आप रीसेट कर सकते हो यहाँ से आराम से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो भी हर एक चीज आप फिल कर लेना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो चीज देखने वाली है सबसे ज्यादा उस चीज का ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और वॉलेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉलेट के ऊपर ओके करना है। वॉलेट के ऊपर जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप कौन से एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ ले सकते हो। पहला है मेटामास्क, दूसरा है अर्थबिट, ठीक है, फिर ट्रेडबिट है, एलबैंक है और कॉइन स्टोर है। ये पांच ऐसे एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप क्या है कि मिथरवर्ड की वेबसाइट से डायरेक्टली विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ एलबैंक के अंदर कैसे आप विड्रॉल ले सकते हो। अभी एलबैंक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और देन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि एलबैंक का नंबर कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एलबैंक का नंबर है 4, ठीक है। जैसे मैंने एलबैंक के ऊपर ओके किया तो यहाँ पे आपको लेवल आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है 4, ठीक है। लेवल आपको कितना फिल करना है, 4, क्योंकि चौथे नंबर पे ही एलबैंक का ऑप्शन आ रहा था, हमने इसीलिए यहाँ पे क्या किया, फोर्थ नंबर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस जो आपने वहां से कॉपी किया था उस एड्रेस को यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। हम फटाफट चले जाते हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर, और फिर से इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज को
देख भी सकते हो कि कौन सा एड्रेस आपका सही है कि नहीं है। लास्ट के 4 डिजिट आप देख सकते हो, यहाँ के 4 डिजिट क्या है, FC63। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है FC63 कि मेरा जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है उसका जो पासवर्ड है, जो लास्ट के 4 डिजिट है, वो सही है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल के ऊपर ओके करते हो तो आपकी KYC है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो आपने एड्रेस डाला होगा पहले वाला, ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और देन जो आपने न्यू एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको जो भी चीज यहाँ से विड्रॉल करनी है, आपको एमकॉइन विड्रॉल करने हैं या फिर ई बैंक विड्रॉल करने हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या कर लेना है, ओके करना है। जैसे आपने इसके ऊपर ओके किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एड्रेस है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पिकअप कर लेगा। ठीक है, मैंने अभी तक यहाँ पे KYC कंप्लीट नहीं करी है, उसके मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए कि कैसे आप मित्रवर्ड की वेबसाइट के अंदर KYC कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लेगा और देन यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है वो आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो वो आपको फिल करना है और देन सबमिट के ऊपर ओके करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देते हो, आपको उसके बाद एक काम और करना होता है। ठीक है, उस ईमेल आईडी के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो आपने यहाँ से एड्रेस कॉपी किया है एमकॉइन का, एल बैंक एक्सचेंज का, ठीक है, वहां से आपने जो एड्रेस कॉपी किया है, आपको क्या करना है, उस वेबसाइट के अंदर जाके, इस ईमेल आईडी के अंदर जाके, जो मैं आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस ईमेल आईडी के ऊपर जाके आपको क्या करना है, आपने वहां पे लिखना है अपना नाम, यूजर नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपकी रजिस्टर होगी मित्रवर्ड के अंदर वो चीज, और देन आपने लिखना है कि मैंने कितना विड्रॉल लगाया, और देन जो आपने विड्रॉल लगाया उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, उस ईमेल आईडी के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज आपको पूरी तरह मेंशन करनी है, फिर आप क्या करोगे, उनको सेंड कर दोगे। जैसे आपने ईमेल आईडी के अंदर ये सारी चीजें करके सेंड कर दी उनको, तभी आपका विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, क्योंकि अगर आपने बिना मेल किए, बिना मैसेज किए आपने विड्रॉल लगा दिया, लेकिन आपका विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो पेंडिंग के अंदर ही रहेगा, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। जब भी आप विड्रॉल लगा रहे हो तो नीचे ईमेल आईडी मैंने दी हुई है, उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको हर एक चीज करनी है। सबसे पहले ध्यान में रखिए क्या क्या चीजें बता रहा हूं। आपने जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आपने एमकॉइन का एड्रेस कॉपी किया है वो एड्रेस आपने वहां पे पेस्ट करना है। आपने विड्रॉल कितना लगाया वो चीज वहां पे लिखनी है, कौन से एक्सचेंजर पे विड्रॉल लगाया वो चीज आपको लिखनी है। फिर आपका यूजर नेम आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम, ये सब चीजें आपने लिख के और देन विद स्क्रीनशॉट के साथ आपको क्या करना है, उनको मैसेज कर देना है, जो ईमेल आईडी मैंने नीचे दी है उस ईमेल आईडी के ऊपर, और देन आपका 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।